हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है अर्थ एंड स्पेस यूट्यूब चैनल पर। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने सक्सेसफुल मिशन से भारत देश का नाम रोशन किया है। और क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में 35% भारत के लोग काम करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक इसरो ने कई सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था और हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है, जो चांद पर भेजा गया हमारा दूसरा स्पेस राफ्ट है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 चांद की दक्षिणी सतह पर उतरेगा। इसरो द्वारा भेजा गया ये पहला स्पेस राफ्ट है जो चांद पर सेफ लैंडिंग करेगा। इस स्पेस राफ्ट के अंदर से एक रोवर निकलेगा जो चांद के सतह पर चलेगा और पानी की खोज के अलावा कई और प्रशिक्षण भी करेगा। चंद्रयान 2 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लॉन्च के 48 दिन बाद चांद की सतह पर उतरेगा। पर अब सवाल ये है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश कुछ ही घंटों में अपने स्पेस राफ्ट चांद पर भेज देते हैं, तो भारत को इतना लंबे समय क्यों लग रहा है और चंद्रयान 2 चांद पर पहुंचेगा कैसे? इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। साल 1969 में चांद पर पहला स्पेस राफ्ट भेजा गया था जिसे पहुंचने में सिर्फ 34 घंटे लगे थे। साल 1969 में पहली बार इंसान को चांद पर भेजा गया था और उस मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने के लिए 2 दिन और 4 घंटे का समय लगा था। 2006 में नासा का न्यू होराइज़न प्लूटो मिशन 8.5 घंटे में चांद पर पहुंच गया था और उसके बाद प्लूटो के लिए निकल गया था। तो फिर चंद्रयान को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? इस मामले में इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो अमेरिका, रूस और बाकी देशों की तरह रॉकेट को सीधा चांद पर भेज सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। लेकिन इसके लिए ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ईंधन भी ज़्यादा खर्च होगा और ज़्यादा ईंधन डालने के लिए रॉकेट का साइज भी बड़ा होना चाहिए। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये रॉकेट की टाइप पर डिपेंड करता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहेंगे उतना ज़्यादा ईंधन जलेगा और उतना ही ज़्यादा खर्च भी होगा। भारत के चंद्रयान 2 मिशन में जिस GSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है वो साइज में छोटा है और कम शक्तिशाली है, इसी वजह से इस पर खर्च भी बहुत कम होगा। दरअसल कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद पर पहुंचने के लिए पृथ्वी और चांद दोनों के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से उनका ज़्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 को पृथ्वी के चारों ओर इसीलिए घुमा रहे हैं ताकि वो चांद के नज़दीक पहुंच सके। इसी प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान 2 ने पृथ्वी की कुछ तस्वीरें ली हैं जिसे इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 2 चांद के बेहद नज़दीक पहुंच जाएगा और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तब इसरो के वैज्ञानिक इसकी गति को नियंत्रित कर इसे चांद पर लैंड करवाएंगे और इस तरह हमारा चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।